हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्री एस फैमिली होम किचन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्योर वेज की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे एक आलू ले लिया है, मटर ले लिया है, फूल गोभी ले लिया है, गाजर, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज ले लिया है। और इस बाउल में हमें जो बाकी के सामान चाहिए वो डाल देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ साबुत। इसके बाद हम इसमें ले लेंगे येलो वाला सरसों। अगर आपके पास येलो वाला सरसों नहीं है तो आप जो काला सरसों होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 चम्मच येलो वाला सरसों ले लिया है। अभी हम इसमें खसखस डाल रहे हैं, जिसको हम लोग पोस्तो बोलते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे जो वाइट वाला तिल है उसको। और अभी हम सारी चीज़ों को भिगो के रख देंगे आधा घंटा या 1 घंटे के लिए, और इसको हम बाद में पेस्ट बना लेंगे। तो जब तक ये भीगते हैं तब तक हम बाकी की सब्जी को भी कट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे एक अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। आप चाहे तो इसमें बिना प्याज लहसुन का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लहसुन नहीं ले लिया है, लेकिन प्याज लिया है। तो जितने भी साबुत सामान है इसको हम अच्छे से मिक्स करके 1-2 बार धुल के इसको भिगो के रख देना है साइड पे। और अभी हम बाकी के जो सामान है उसको काट के रेडी कर लेंगे। तो पहले हम फूल गोभी ले लिया है धुल के अच्छे से, आलू वगैरह हम अच्छे से छिल के इसको भी साफ करके ले लिया है। तो फूल गोभी के जो बड़े वाले कली हैं उसको हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे, और छोटे छोटे जो है उसको वैसे ही रहने देंगे। अगर छोटे वालों को भी हम काट देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होके टूट जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो छोटा वाला है उसको छोड़ देंगे, और जो बड़ा वाला है उसको हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे फूल गोभी को रेडी कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करके बेल आइकन कमेंट में बताइए आपको कैसी लगती है। तो फूल गोभी को मैंने कट करके ले लिया है। अभी हम आलू को भी कट कर लेंगे। तो पहले मैंने आलू को बीच में से कट कर लिया है, देन हम इसको गोल गोल करके कट करके थोड़ा सा मोटा, उसके बाद हमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लेना है। तो आलू को भी हम कट करके इसी तरीके से ले लेंगे। और अभी हम इसमें जो गाजर है उसको काट लेंगे, गाजर को भी हमें लंबा लंबा करके काट लेना है। अगर गाजर आपका थोड़ा सा पतला है तो आप इसको 4 टुकड़ों में काट लीजिए, अगर मोटा है तो इसको 3 टुकड़ों में काट लीजिए बीच में से काट करने के बाद। तो इसी तरीके से हमें गाजर को भी कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने गाजर को भी कट करके ले लिया है। अभी इसको भी हम साइड में कर देंगे। तो ये भी जो रेसिपी थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो आप एंड तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा और पूरी रेसिपी भी आपको पता चलेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची को साफ करके ले लिया है, इसको हम बीच में से कट कर देंगे। और जो अदरक है उसको भी थोड़ा सा कट करके ले लेंगे, ताकि जब हम इसको पीसें तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको अभी हम जो हमने सरसों वगैरह भिगो के रखा है उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं टमाटर को भी देखिए कट करके ले रही हूँ। तो टमाटर को हमें लंबे लंबे स्लाइस है उसमें थोड़ा मोटा करके काटना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो एक टमाटर को हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। तो अभी हम प्याज को भी कट करके ले लेंगे। तो प्याज को भी हमें पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। अगर आपको इसको पेस्ट बना के यूज़ करना तो आप उस वैसे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से हम प्याज को भी स्लाइस कर लेंगे, और लास्ट में हम धनिया पत्ता को भी चॉप कर लेंगे। तो अभी चलिए रेसिपी प्रोसेस में चलते हैं। सारी चीज़ें हमने कट करके ले लिया है, और जो हमने सरसों वगैरह भिगो के रखा था वो भी अच्छे से भीग के रेडी हो गया है। अभी हम एक बोल में जो हमने मटर ले लिया था उसको भी छील के ले लेंगे। तो अभी मैं गैस पे
पे एक पैन चढ़ा रही हूँ। पैन में थोड़ा सा तेल डाल के जितने भी हमने सब्जी काट करके ले लिया है उसको फ्राई कर लेना है। और पेस्ट बनाने के लिए भी मैंने जितने भी सामान भिगो के रखा था उसको पेस्ट करने के लिए ले लिया है जार में। तो यहाँ पे देखिए मैंने फूलगोभी, गाजर और आलू को डाल दिया है और इसको थोड़ी देर हम चलाते हुए पहले इसको थोड़ी देर पका लेंगे। दो से तीन मिनट चलाते हुए पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डाल देंगे ताकि जो सब्जी हमारी सॉफ्ट हो जाए और इसमें कलर भी अच्छे से आ जाए। तो हल्दी और नमक को भी हम अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। तो इसको रेडी करने में कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगा पूरे रेसिपी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट बना के ले लिया है, तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसमें अभी हम थोड़ा सा सूखे जो मसाले उसको ऐड कर देंगे। तो पहले मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और आप जब भी सरसों को पेस्ट करेंगे उसमें हरी मिर्ची और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद जो थोड़ा सा कड़वापन होता है तो कम हो जाता है। तो नमक के बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप जितना नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बाद में मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। और इसमें अभी मैंने डाल दिया है गरम मसाला। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मसाला ले सकते हैं या फिर जो आपके पास अवेलेबल है वो मसाला ले सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा सरसों का तेल हम डाल देंगे। जो मिक्सी जार में हमने पेस्ट बनाया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पानी हम इसी में ऐड कर देंगे। और अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा जो सब्जी की मसाले है वो अच्छे से रेडी हो गया है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे कर देंगे और देख लेंगे जो हमारा फूलगोभी, आलू और गाजर का फ्राई वो कितना रेडी हुआ है। तो इसको चलाने के बाद हमें 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक के पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाइए और 4 से 5 मिनट के बाद इस लीड हटा के हम देख लेंगे ये कितना रेडी हुआ है। और इसमें हम मटर को भी ऐड कर देंगे। मटर को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए बाकी सब्जियों के साथ थोड़ी देर चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। यहाँ पर गाजर और आलू जो है मैंने चेक कर लिया था तो वो सॉफ्ट हो गया। फूलगोभी भी थोड़ा सा और होगा, इसमें टाइम लगेगा फूलगोभी में, तो इसलिए हम दोबारा इसमें लीड लगा देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। और जैसे फूलगोभी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में। तो रेडी हो गया है और इसको अभी हम निकाल लेंगे और उसी पैन में हम सरसों का तेल ले लेंगे आगे की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है, साथ ही में जो सूखी वाली लाल मिर्च है उसको मैंने डाल दिया है, साथ में तेज पत्ता भी डाल दिया है। और इसमें अभी हम जो हमने प्याज स्लाइस करके रखा है उसको डाल देंगे और इसको थोड़ी देर हम सॉफ्ट होने के लिए पका लेंगे। तो जैसे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा हमारा, इसमें हम डाल देंगे जो टमाटर कटा हुआ टमाटर उसको, और टमाटर को भी हम थोड़ी देर चलाते हुए इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आप चाहे तो लीड लगा सकते हैं, उससे क्या होगा जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो अभी जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है सरसों का और बाकी मसालों का वो हम डाल देंगे। डाल के हमें प्याज और टमाटर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि हमने जो सूखी वाली मसाला यूज़ किया है उसको पकने में 3 से 4 मिनट लगेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पकने देंगे। तो जैसे ही अच्छे से पक जाएगा हम इसमें जो फ्राई किया हुआ सब्जी है वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला का टेस्ट है वो अच्छे से सब्जी में आ जाए। तो इसको अच्छी तरीके से
हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें लीड लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारी सब्जी है अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ठंडा पानी का यूज़ किया है। अगर आपको ये ग्रेवी बनानी है सब्जी की तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, थोड़ा सा सूखी वाली सब्जी बनाना है, तो इसीलिए मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया है मैगी मसाला 1 पैकेट, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारी सब्जी है उसको हम लीड लगा के और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे हाई फ्लेम पे। तो जैसे ही सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी हम लीड हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेवी है बिल्कुल और सूख गया है। लास्ट में हम थोड़ा सा जो शुगर है वो डाल देंगे, जो चीनी है, उससे क्या होगा सब्जी का टेस्ट और अच्छे से आएगा। और लास्ट में धनिया पत्ता जो है उसको भी ऐड कर दिया है। और अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट और खुले में हमें इसको बॉईल करने के लिए रखना है। और इसको अभी हम निकाल के प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी मिक्स वेजिटेबल की सब्जी रेडी हो गई है। आप इसको रोटी या चावल दोनों के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।